अभी देखो सर, अभी जो ये कपाल ये पूरे भारत के अंदर है, ऐसा एक में शिव जी का मंदिर है, जिस शिव जी के मंदिर के सामने नंदी भगवान नहीं। भारत के अंदर तुम कहीं भी किधर भी जाओगे तो शिव जी के मंदिर के सामने आपको नंदी भगवान नजर आएंगे, लेकिन इस मंदिर के सामने नंदी भगवान नहीं है। नंदी भगवान इसलिए नहीं है कि सत्ययुग में पंचमुख वाले ब्रह्मा जी थे, पांचमुख के ब्रह्मा जी थे, उसमें जो चार मुख जो थे वो वेद पठन करते थे, पूजा पाठ करते थे, सारे विश्व की भलाई की कामना करते थे, और ब्रह्मा जी का पांचवा मुख जो था वो भगवान शंकर जी की विष्णु जी की निंदा करता था, उनको गाली गलौज करता था। फिर भगवान शंकर एक दिन क्रोध में आके गुस्से में आके ब्रह्मा जी को पांचवें मुख को काट दिया, उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। फिर ब्रह्म हत्या के पाप से दोष मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर ने आकाश पाताल एक किया, लेकिन उनको ब्रह्म हत्या के पाप से कहा दोष मुक्ति मिलती है, ऐसा मार्गदर्शन ऐसा गाइडेंस किसी ने बताया नहीं समझाया नहीं। फिर भगवान शंकर घूमते घूमते गोदावरी नदी किनारे कुछ लोग इस जगह पे आ गए, इस जगह पे भगवान शंकर को नंदी महाराज मिल गए। फिर भगवान शंकर ने नंदी महाराज को अपनी मन की व्यथा बताई, कहानी बताई। कहानी व्यथा बताने के बाद इस जगह पे भगवान शंकर को नंदी महाराज ने ऐसा मार्गदर्शन किया, गाइडेंस किया और कहा कि भोलेनाथ भंडारी आपके जटाओ से जो गोदावरी प्रकट हुई है वो पापनाशिनी गोदावरी है, आप अरुणा गोदावरी त्रिवेणी संगम में जाके स्नान कीजिए, वहाँ पे स्नान करने से आपको ब्रह्म हत्या के पाप से दोष मुक्ति मिल जाएगा, ऐसा मार्गदर्शन ऐसा गाइडेंस नंदी भगवान ने भगवान शंकर को किया। फिर भगवान शंकर ने नंदी जी के साथ त्रिवेणी संगम में एक जगह पे आके स्नान किया, यहाँ पे स्नान करने के जगह पे भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या के पाप से दोष मुक्ति मिल गया। दोष मुक्ति मिलने के बाद इस जगह पे भगवान शंकर ने नंदी जी को अपनी सेवा से मुक्ति दे दिया और अपना गुरु बना लिया। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है, इसलिए मंदिर के सामने नंदी भगवान नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से जो पुण्य फल का प्राप्ति होता है वो अकेले इस कपालेश्वर का दर्शन करने से होता है। कपालेश्वर नाम इसलिए देगा, मस्तक काटा था कब बोले तो कपाल, स्नान करने से शरीर का शुद्धिकरण हो गया, इसलिए शिव बोले तो शरीर, इसलिए कपालेश्वर नाम दिया गया। Thank you.
तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। हैव अ वंडरफुल डे।